पर लाइट चला लीजिए उधर से, लाइट चला लाइट चला। तो दोस्तों मेरा नाम है जीतन अग्रवाल और मैं हूँ अपनी टीम के साथ में इसे टेलीकॉम। और आज हमारा यह 28 जुलाई का बैच है जो कि डा एंड के में। और सबसे पहले मैं, क्योंकि यार आज आखिरी दिन है इनके साथ बातचीत करने का, कल हमारा आखिरी लास्ट डे है जिसमें हम डुअल सीक्यू इन सबसे कराएंगे। अगर आपको देख रहे हैं कल भी लाइव आएंगे तभी डुअल सीक्यू करेंगे, अटेंड करेंगे और कल हमारा सर्टिफिकेशन देने का। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के सामने। मेहनत की आप लोगों ने, आप लोगों में से हर एक टीचर का फीडबैक ये मिलता है कि सर बहुत सीखने वाले। और ऐसा कभी किसी ने नहीं किया कि किसी ने ऐसा ज्यादा टाइम हो गया मुझे जाना है या बीमार या फिर दिमाग में ऐसा लग रहा है। आप लोगों ने जितना देना चाहा उससे ज्यादा लिया है और आपने सबने बहुत मेहनत की है और सबने हार्डवर्क किया है। हार्डवर्क है सीखने वाले, जैसे हम बोलते हैं कि हार्डवर्क क्या होता है, तो इन सबने वाकई में किया है। और हमारी जो क्लासेस चालू हुई थी वो हुई थी 27 तारीख को एक काउंसलिंग क्लास के साथ, 28 तारीख को क्लास हमारी चालू हुई थी। तो 28 तारीख से थ्रू आउट अब तक का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपके पैसे बर्बाद हुए कि आपके वो हुए वसूल हुए? किस किस से वसूल हुए एक बार बताइए? सबके हुए। बहुत कुछ सीखने को मिला। आप देखिए हम किसी को हाइड करके नहीं चलते हैं क्योंकि इनको भी मार्केट में काम करना है और ये जो मार्केट में जाएंगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि कितने लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत लोगों के हम नंबर भी बताएंगे ताकि अगर आप उनके एरिया के आसपास है तो आप उनके बकायदा उन पर फोन ले जाइए, उनसे रिपेयर कराइए। और ये कूरियर भी एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ तक कि आप इंडिया लेवल पे जो आप हमें कूरियर भेजते हैं वो आप इनको भी भेज सकते हैं। भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? किस किस को कूरियर चाहिए भाई? यहाँ पर सबको कूरियर चाहिए, सबको काम चाहिए यहाँ पर। और ये पूरा ऐसा नहीं है कि ये बच्चे केवल एमएमसी का काम कर सकते हैं, ये हार्डवेयर का, बेसिक का, सॉफ्टवेयर का, एमएमसी का, सबका काम सीख रहे हैं। और सीख ले, इनके आज लास्ट डे है। तो आज हमारी जो क्लास हुई थी वो एमओएलईडी की क्लास हुई थी, 16 लैक्स और एक A50 का और A30 का एमओएलईडी लैक्स, जो बिल्कुल किस किस को समझ में आया सर बताइए? सबको आया? पूरा डायग्राम के साथ आया क्या? ऐसा तो नहीं कि बोर्डियो में पढ़ाते हैं हम? बोर्डियो तो यार हमारे एडवांटेज के लिए है, बोर्डियो में हमें डायग्राम से मिलते हैं, उसके लिए पर नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के तो बोर्डियो भी नहीं चला सकता। और जो बोर्डियो चला रहा है वो 2-3 महीने बाद जाके कहीं ना कहीं भी क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे। अच्छा ये भी चाहिए, ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग लिए सब सीखा जा सकता है क्या? YouTube से ये सब मिल जाता है आपको? कभी नहीं मिल सकता। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया के कोने कोने से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया के भी बाहर से, जैसे मेरे सारे स्टूडेंट वो है। आओ जरा थोड़ा इनका एक्सपीरियंस शेयर करें। क्या नाम है आपका? राजा घोष। तुम कहाँ पर काम करते थे, क्या था तुम्हारा बताइए? पहले तो 6-7 साल इंडिया में काम करता जी, सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम करता था। शुरू में हार्डवेयर कुछ करता था, नोकिया जैसे 1100 तो फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर का काम शुरू किया। तो 5-6 साल सॉफ्टवेयर का काम किया इंडिया में, फिर मैं चला गया पेरिस। पेरिस में 2.5 साल काम किया और फिर पिछले महीने नौकरी पाया गया। और उसके बाद में फिर आपने एयरटेल टेलीकॉम ज्वाइन किया। आपने वाकई में, आप बताओ सही किया कि गलत किया? नहीं सर, मैंने जितना भी सोचा इससे बहुत बरकत मिला, बरकत मिला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं और आपको देखना है कोने कोने से कौन कौन से लोग आते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार ना सबसे बोलूंगा, सिर्फ अपनी सिटी का नाम बोलते जाइए। यहाँ से शुरू करेंगे सिटी का। बैंगलोर, गुजरात, बोलो एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, गढ़वाल एमपी, बिहार, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, राजस्थान, जोधपुर, गुजरात, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, एमपी का राजस्थान। और यहाँ पर ठीक है, तो देखो आप ऑल ओवर इंडिया से, आधा इंडिया यहाँ पर है, आधा भारत है, आप देख सकते हैं हर स्टेट के है यहाँ पर। मैं भी बोल देता हूँ, मैं भी राजस्थान से हूँ और मिलन सर वेस्ट बंगाल से है, सर एमपी से है, सर इंदौरी है हमारे, इंदौर से है, और ये हमारे सर दुर्गेश सर यूपी से है। तो बेसिकली
ये जो क्लास का सेक्शन था उसके बाद हमारा आज नैंड की भी हुआ आई रिपेयर। आई रिपेयर सबको समझ में आया यहाँ पर? आई रिपेयर हमने यहाँ पर इनको बताया कि किस तरह से आई रिपेयर का काम किया जा सकता है, और नैंड प्रोग्रामिंग, नैंड प्रोग्रामिंग को बताई, जो चीज हमने इनको बोली वो चीज दे रहे कि नहीं दे रहे? दे रहे। कल क्या बताइए? कल ड्यूअल डे का सीपीयू है और कल का भी लाइव है, कल बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है क्योंकि हमारे साथ में एक मेहमान हुई है। कौन होंगे बताइए? समीर अंसारी जी। हाँ, और इसलिए हमने उनसे बोला है कि सर आप रहे ड्यूअल सीपीयू के टाइम पे और ताकि आपको पता चले कि क्या हमारे यहाँ काम हो रहा है और उसको दर्शाएं और अपने चैनल पे दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा टेलीकॉम क्या है क्या नहीं है और आपको पता खुद पता चलेगा। और ये लाइव आना अभी इंडिया में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। डेली अपने इंस्टीट्यूट का आउटपुट का फुटेज बता रहा है, ये तभी है जब आपको पता है कि आपका स्टूडेंट उतना वेल सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। सो एक बार और लास्ट ताली भाई आपने लिए। यहाँ पे ड्यूअल टेकर सीपीयू पे पहली बार कर रहे हैं ये, और सभी के सभी फ्रेश बोर्ड है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और आप यहाँ पे ये सब लाइव कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट जो आप यहाँ पे देखने को पा रहे हैं, मैं अभी आपको हर एक स्टूडेंट को दिखाऊंगा कि ये लाइव काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट को भी दिखाने वाला हूँ ये लाइव कर रहे हैं फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ ड्यूअल टेकर सीपीयू पे काम कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। फ्रेश बोर्ड था ये? यस सर। अभी क्या प्रोसेस कर रहे हैं? सर इसकी जगह बना रहा हूँ, स्क्रैपर लगा रहा हूँ जहाँ से मैं स्क्रैपर को इन करने का। ओके, क्या प्रोसेस कर रहे हैं अभी आप? अभी डुअल टेकर सीपीयू निकाल रहे हैं। डुअल टेकर निकाल रहे हैं, अभी प्रोसेस क्या कर रहे हैं आप? अभी इसकी क्लीनिंग, वो ग्लू कट कर लिया है। ऐसा तो नहीं था कि पहले से कटा हुआ था? नहीं सर, अभी मैंने खुद किया। अभी आप खुद कर रहे हो? चलिए ठीक है, करिए। क्या प्रोसेस कर रहे हैं अभी आप? ग्लू कटिंग कर रहा हूं। ग्लू कटिंग कर रहे हैं? यस सर। ओके, ये पहली बार कर रहे हैं कि इससे पहले आप कर रहे थे कभी? कहाँ पे सीखा आपने? कहाँ पे? ऐसे टेलीकॉम। चलिए ठीक है, करिए। ये फ्रेश बोर्ड है ना, ऐसा तो नहीं पहले से काम किया हुआ? नहीं सर, फ्रेश बोर्ड। ओके, रिमूव कर दिया? हाँ सर, ये एक साथ आ गया है बाहर। एक साथ आ गया। हाँ, दोबारा इसको अलग करूँगा। सर ने जो स्टेप बताया वो सारे स्टेप को आप फॉलो करिए। ठीक है, निकाल दिया आप? जी सर, बिल्कुल। कैसा लग रहा है भैया? बहुत अच्छा सर। इससे पहले किया था कभी? नहीं सर, कभी नहीं किया था। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि निकला हुआ बोर्ड रहा हो? नहीं सर, मैंने एकदम फ्रेश था। चलिए, अब इस पे करना है आपको मेहनत। जी सर। पर सीधा चलाइए, ठीक है? सीधा, ठीक है। अभी ग्लू कटिंग नहीं कर रहे? अच्छा, ग्लू कट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं? निकाल रहे। ओके, निकालिए। निकाल दिया आपने? यस सर। कोई दिक्कत आई है आपने? नो सर। इससे पहले आपने किया था क्या? नहीं सर, नहीं किया था। ये आप देख सकते हो, इन्होंने सारा चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। कहाँ पे सीखा आपने? एशिया टेलीकॉम से। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं था कि पहले से निकला हुआ था? नहीं सर, अभी जस्ट निकाला। आपने ही निकाला है? यस सर। ओके, चलिए।
क्या प्रोसेस कर रहे हैं? सर अभी ग्लू कटिंग कर रहे हैं। ग्लू कटिंग कर रहे हैं। इससे पहले किया था आपने कभी? डुअल टेकर कभी नहीं किया था, पहली बार कर रहा हूं। ओके ठीक है, करिए। जो भी स्टेप बताए गए हैं सारे स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है? तो ये सारे स्टूडेंट, हाँ सारे स्टूडेंट यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं डुअल टेकर सीपीयू पे। आप सीपीयू निकाल रहे हो? क्लीनिंग हो गई ग्लू कट के? ग्लू कट दिए। ओके आराम से करना है एकदम, जितने भी स्टेप आपको बताए गए हैं सर ने बताया सारे स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है? ओके सर। और चलाते रहना है, ठीक। निकाल दिया आपने? हाँ सर। रैम को निकाल दिया? हाँ सर। कोई बॉल तो मिसप्रिंट नहीं हुआ ना? नहीं सर। ये ऐसा तो नहीं पहले से निकला हुआ रहा हो? नहीं निकला हुआ तो चलिए। आपने भी रैम निकाल दिया? रैम निकाल दिया। ऐसा तो नहीं लग रहा कि पहले से निकला हुआ है? नहीं, फर्स्ट टाइम निकला हुआ है। सीपीयू भी निकाल दिया? हाँ। ओके दिखाई, सीपीयू हटाइए वहाँ पे। कोई बॉल तो मिसप्रिंट नहीं किया आपने? नहीं। और जो है वो एनसी है, वो आपको दिखाया गया सारा चीज़? हाँ। ओके कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा। क्या प्रोसेस कर रहे हैं? क्लीनिंग सर। क्लीनिंग अभी ग्लू कट कर रहे हैं आप? जी सर। डुअल टेकर पे कभी काम किया था? नहीं सर, नॉर्मल पे नहीं किया था, ये तो डुअल टेकर है। ओके ओके ओके। हाँ हाथ को चलाते रहना है। ग्लू कट कर दिया, अब निकाल रहे हो? हाँ सर। ओके निकाल दिया? हाँ सर। ऐसा तो नहीं था कि पहले से निकला हुआ था? नहीं सर, अभी नया फ्रेश बोर्ड है। नया फ्रेश बोर्ड है, इससे पहले काम किया था क्या? डबल डेकर में तो नहीं किया, नॉर्मल तो कर चुका है, ऐसे ही काम। ओके अभी कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बहुत बढ़िया। ओके आपने भी नहीं निकाला? अच्छा निकाल दिया आपने भी, कोई बॉल तो डैमेज नहीं हुई? ये सब लाइव है जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हो लाइव, ये हमारे समीर जी बहुत अच्छे से जान रहे हो गया। निकाल दिया ना नॉर्मल। तो बहुत सारे लोग हैं, सब के चेहरे पर
ऐसे मूव कर दोगे तो निकल जाएगा, ठीक है निकल गया ना। उसको थोड़ा सा जैसे स्क्रैपर को डाल रहे हो उसको क्या करना है, ऐसे टर्न करना है, ऐसा करना है टर्न करना, तो जैसे टर्न करोगे तो अपने आप वो मूव हो जाएगी। निकल दिया, निकाल रहा है। हाथ को चलाते रहिए, जैसे स्क्रैपर अंदर जाए ना तो उसको टर्न करना है, चारों तरफ हिट देते रहिए, देते रहिए थोड़ा सा। स्क्रैपर यूज कर लीजिए, नहीं बात चलाइए, चारों तरफ मूव करिए, और धीरे मूव करिए। बस टर्न कर दीजिए, चारों तरफ हिट करके टर्न, चारों तरफ हिट देंगे चलाना नहीं। हाँ ऐसा ट्विस्ट ट्विस्ट करते ना, आप प्रेशर से नहीं करना, एकदम हल्के हाथों से करना है, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोसेस करिए, तो आप ऐसे ही बने रहेंगे तो ऐसे ही लाइव डेली डेली आप देख सकते हैं ऐसे टेलीकॉम के ऑफिशियल पेज में जाकर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज देख रहे हैं ऐसे टेलीकॉम। आज हमारा जो है क्लास ड्यूल टेकर की क्लास है, और सारे स्टूडेंट को प्रैक्टिकली करवा रहा है हम ड्यूल टेकर। ये देख सकते हैं आप ड्यूल टेकर सीपीयू कर रहे हैं, ये सब सैमसंग के जो भी बड़े बड़े पीसीबी है, जो भी A50, A30, A20, A31, ये सारे पीसीबी में हम करवा रहे हैं ड्यूल टेकर सीपीयू। ड्यूल टेकर सीपीयू हर एक के पास, ताकि इनके अंदर जो डर है ना वो ख़त्म हो जाए थोड़ा, कि ड्यूल टेकर सीपीयू में क्या है, कैसे करते हैं, किन से प्रोसेस है। क्या रैम नहीं खोला? रैम नीली है उसने, तो बीच में घुसाया नहीं तुमने? बीच में लगाना नहीं है, बीच में लगाना नहीं है, बीच में घुसाना है उसको। बीच में लगा के रखोगे तो नीचे का उखड़ आएगा ना, तब तक जी।
हाँ ब्लेड यहीं रखो और ब्लेड को घुसाओ, ब्लेड को ऐसे लगा के रखना नहीं है, ब्लेड को जो घुसाना है और उठाना है, ठीक है ना, ब्लेड को लगा के रखोगे तो सीपीयू साथ में आ जाएगा। इसका 330 या 3 इतना नहीं, पेस्टर ऐसे खोलने के लिए जो आयर है वही। तो फ्रेंड जैसा कि आपने अभी देखा डुअल सीपीयू पे सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, वो डुअल सीपीयू को निकाल करके क्लीन करके रिवॉल्व भी कर दिया है, अब उसको वो लगा रहे हैं। तो लगाने का वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सारे स्टूडेंट को। लगा रहे हैं, रिवॉल्व हो गई, हो गई, ठीक है लगाइए। और कौन लगा रहा है सर सीपीयू? लग गया सीपीयू, लग गया सीपीयू, लग गया रैम लगा रहे। लगा रहे सीपीयू, लगा दिया। यस साहिल, हां सर, क्या रैम लग गया? नहीं कह रहा हूं कि लगा रहा हूं। मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट को, इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Dasa. Thank you so much.